हेलो, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के मीडिया ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो मीडिया ग्रुप में हमने वीडियो कमांड पिछली वीडियो में कर रखी है। इस वीडियो में हम यहाँ पे ऑडियो कमांड और स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑडियो यहाँ पे लेंगे। तो ऑडियो के मोर बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, ऑडियो ऑन माई पीसी और दूसरा है रिकॉर्ड ऑडियो। अगर हम ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम ये दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया, ये रिकॉर्ड साउंड का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेम लिखना चाहते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैंने नेम साउंड रखा, ये आ गया साउंड। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास तीन बटन है। तो इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। यहाँ पे टाइम चला हुआ है, तो मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है। सपोज़ करो मैंने इतनी रिकॉर्ड करनी है, इसके बाद मैंने ये सेंटर वाला बटन इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद हो जाएगी। ये देखो, ये टाइम भी स्टॉप हो गया है। स्टॉप होने के बाद अगर हम इसको यहाँ से सुनना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। यहाँ पे टाइम चला हुआ है, तो मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है। सपोज करो मैंने इतनी रिकॉर्ड करनी है, इसके बाद मैंने ये सेंटर वाला बटन, मैं ओके बटन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी। अगर इसको सेव करना है तो हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो सेव बटन पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे सेव करना है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखना है, किस नाम से रखना है, यहाँ पे नेम दे दिया, ये नेम यहाँ पे लिखा और सेव पे क्लिक किया और यहाँ से इसको बंद कर दिया। तो ये जो है रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो, इस जो ये हमारी पावर पॉइंट है, स्लाइड है, इसमें ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्ले किया, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। यहाँ पे टाइम चला हुआ है, तो ये रिकॉर्डिंग इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, ये देखो वॉल्यूम का बटन है, कम करना चाहते हैं तो इसको नीचे खींचेंगे, ये देखो कम हो रही है। तो इस प्रकार हम वॉल्यूम को यहाँ से कम या ज़्यादा, ये ऊपर या नीचे करके कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। अब ये पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से कोई स्लाइड ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे क्लिक किया, तो ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्लाइडें यहाँ पे आ जाएंगी, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। एक स्लाइड ये डिलीट की, डिलीट करने के बाद ये फर्स्ट स्लाइड पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। फर्स्ट स्लाइड में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे ऑडियो कमांड पे जाएंगे। ऑडियो कमांड पे जाने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन ऑडियो ऑन माई पीसी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑडियो आ जाएगी। तो जो भी ऑडियो यहाँ पे चाहिए, सपोज करो हमें ये ऑडियो चाहिए, इसको यहाँ पे इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद ये ऑडियो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो, यहाँ पे ऑडियो का ये बन के आ जाएगा। तो ये ऑडियो आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से प्ले करेंगे। ये देखो, प्ले किया तो ये ऑडियो यहाँ पर चली हुई है। इसको यहाँ पे बंद करेंगे, ये बंद हो जाएगी। तो बंद होने के बाद हम इसकी जो सेटिंग है यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये ऑडियो यहाँ पे लाने के बाद ये हमारे पास प्लेबैक यहाँ पे आ जाएगा टैब। इसके बाद यहाँ पे अगर हम प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम इसको प्ले कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे प्ले बटन है, अगर प्ले करना है तो हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं इसको। ये देखो, ये प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बंद किया। इसके बाद है, आगे है बुक मार्क्स ग्रुप। तो बुक मार्क्स ग्रुप में सबसे ये जो पहली कमांड है ये यहाँ पे ऐड बुक मार्क, तो
ये क्या होता है, ये बुक मार्क तब लगाते हैं कि हमने कहाँ तक ये ऑडियो सुनी हुई है, तो यहाँ पे बुक मार्क हम सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऐड बुक मार्क, ये सपोज करो यहाँ पे ऑडियो यहाँ तक चली हुई है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुक मार्क लगा देंगे। ये देखो ऐड बुक मार्क, यहाँ पे ऐड बुक मार्क, यहाँ पे क्लिक किया, ये बुक मार्क यहाँ पे लग जाएगा। लगने के बाद अब हमें पता है कि ऑडियो हमने यहाँ तक सुन रखी है। अगर ये ऑडियो आगे भी जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑडियो हमने यहाँ तक सुनी हुई है। तो इसके बाद अगर ये बुक मार्क जो है इसको हटाने जाते हैं तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, बुक मार्क के ऊपर, और क्लिक करने के बाद हमने रिमूव बुक मार्क यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखो यहाँ से ये बुक मार्क हट जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे है ट्रिम ऑडियो। अगर ये ऑडियो है इसको हम ट्रिम करना चाहते हैं तो इस ऑडियो को हम ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिम ऑडियो पे जाएंगे। ट्रिम ऑडियो पे जाने के बाद अब ये ऑडियो कितनी हमें हमने काटनी है तो इस ऑडियो को हम अपने हिसाब से ट्रिम कर सकते हैं। जैसे ये ऑडियो हमने इतनी ट्रिम की, यहाँ से ये ऑडियो हमने इतनी ट्रिम की, ये भी थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं, ये इतनी। तो हमें क्या चाहिए, कितनी ऑडियो चाहिए, इतने से लेके इतने तक ये ऑडियो चाहिए। तो ये हमने यहाँ से ट्रिम कर दी, लेफ्ट साइड से और यहाँ से राइट साइड से। इसके बाद इतना सा रखने के बाद, ये बीच वाला इतनी सी ऑडियो है, रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये ऑडियो ट्रिम हो जाएगी और यहाँ से हम इसको फिर प्ले कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑडियो को हम यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। इसके बाद अगला है एडिटिंग रूम में फेड इन। अगर स्टार्टिंग में हम फेड इन रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये यहाँ पे देखो ये बढ़ा रहे हैं तो ये फेड इन स्टार्टिंग में लग जाएगा। अगर लास्ट में हम फेड आउट लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे। ये देखो इतना हमने फेड आउट लास्ट में लगाना है। तो लगाने के बाद हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में कितना फेड इन रखा और लास्ट में कितना फेड आउट रखा। तो ये ऑडियो में ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद है आगे है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे ये यहाँ पे साउंड ये प्ले की, ये देखो इसके बाद वॉल्यूम पे गए, अगर यहाँ से इसको लो करना है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो है लो हो जाएगी। अगर इसको हाई करना है तो हम यहाँ पे हाई पे क्लिक करेंगे, ये देखो। तो इस प्रकार हम यहाँ से वॉल्यूम को लो, मीडियम और हाई कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम का हो गया। इसके बाद है अगला ग्रुप है ऑडियो ऑप्शन। ऑडियो ऑप्शन में सबसे ये जो पहला है, पहली है यहाँ पे कमांड स्टार्ट की है। स्टार्ट में हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है इन क्लिक सिक्वेंस। इसका मतलब ये होता है कि जब ये स्लाइड शो चले तो ये जब हम माउस का बटन प्रेस करें तभी ये साउंड चले। तो ये देखो ये ऑप्शन सेलेक्ट है यहाँ पे इन क्लिक सिक्वेंस। इसके बाद यहाँ पे स्लाइड शो करते हैं। स्लाइड शो करने के बाद जब हम माउस का यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे ये साउंड चलेगी, ये देखो। तो इस प्रकार ये साउंड चलेगी। अगर हम चाहते हैं कि माउस का बटन हम प्रेस ना करें, ये साउंड ऑटोमेटिकली चले, तो यहाँ पे हम ये दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे तो ये साउंड ऑटोमेटिकली चलेगी, ये देखो। यहाँ पे हमने माउस का बटन यहाँ पे प्रेस नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली साउंड यहाँ पे चल पड़ेगी। इसके बाद है प्ले अक्रॉस स्लाइड। हमारे पास जितनी भी स्लाइड हैं सभी स्लाइडों में ये साउंड चले। ये तो साउंड एक स्लाइड में ही आ रही थी, अगली स्लाइड में नहीं आ रही थी। जैसे ये देखो यहाँ पे हमने इसको चेक नहीं किया हुआ है, तो जब हम इसको स्लाइड शो करेंगे तो एक स्लाइड में ये साउंड चली हुई है, अगली स्लाइड में देखो ये बंद पड़ी हुई है, इससे अगली स्लाइड में भी ये बंद पड़ी हुई है, इससे आगे भी ये बंद पड़ी हुई है, ये देखो किसी भी आगे स्लाइड में नहीं है। तो इस प्रकार हम अगर ये चाहते हैं कि ये सभी स्लाइडों में ये साउंड चले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले अक्रॉस स्लाइड,
यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, इन क्लिक सीक्वेंस रखते हैं ये, कि क्लिक करने पे ये साउंड चले। इसके बाद यहाँ पे प्ले अक्रॉस स्लाइड यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखो स्लाइड शो करेंगे तो ये साउंड सभी स्लाइडों में चलेगी। ये देखो यहाँ पे स्लाइड शो किया, स्लाइड शो करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, इस स्लाइड में भी ये साउंड चली हुई है, ये अगली स्लाइड में भी चली हुई है, ये अगली स्लाइड में भी चली हुई है, ये अगली में भी चली हुई है साउंड। ये देखो तो सभी स्लाइडों में ये साउंड चली हुई है। तो ये अगर हम ऑप्शन लेंगे तो ये सभी स्लाइडों में प्ले अक्रॉस स्लाइड, हमारी जितनी भी स्लाइडें हैं ये सभी स्लाइडों में साउंड चलेगी। और इसको यहाँ पे अनचेक किया, अनचेक करने के बाद ये है नीचे लूप अनटिल स्टॉप्ड। इसका मतलब ये होता है कि ये साउंड चलती रहे जब तक हम इसको बंद ना करें। जैसे ये साउंड पूरी भी हो रही है, पूरी होने के बाद फिर से स्टार्टिंग से चल रही है। जैसे ये देखो लूप अनटिल स्टॉप्ड, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे प्ले किया, ये देखो ये साउंड यहाँ तक होगी, होने के बाद ये साउंड फिर वापस दोबारा अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है लूप अनटिल स्टॉप। ये देखो साउंड यहाँ से हम बढ़ा देते हैं और इतने सा रखते हैं इसको, ये देखो इसके बाद ये बंद होगी, अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो तो इसको बोला जाता है लूप अनटिल स्टॉप, जब तक हम इसको स्टॉप ना करें ये चलती रहेगी। ये बंद की, यहाँ पे बंद करने के बाद इसके बाद यहाँ पे लूप अनटिल स्टॉप्ड, यहाँ पे इसको अनचेक किया क्योंकि ये साउंड चलती रहेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अनचेक करेंगे। अनचेक करने के बाद यहाँ पे हाइड ड्यूरिंग शो, तो ये जो साउंड है ये हाइड हो जाए जब ये शो हो रही हो स्लाइड। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये जो है स्लाइड में शो नहीं होगा, तो इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे स्लाइड शो पे जाएंगे और ये देखो ये जो आइकन था साउंड का ये यहाँ पे हाइड हो गया है। तो हाइड होने के बाद ये साउंड चली हुई है, अब ये आइकन यहाँ पे नहीं आएगा। ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, ये चौथी स्लाइड, ये हमारी लास्ट स्लाइड। तो ये जितनी भी स्लाइडें हैं इसमें क्या होगा, ये जो साउंड वाला था ये जो था यहाँ पे एक ही स्लाइड में चला, लेकिन ये आइकन जो था वो हाइड हो गया था। तो अगर ये अनहाइड किया यहाँ पे, तो ये जो आइकन है ये जब हम इसको स्लाइड शो करेंगे ये आइकन आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे स्लाइड शो किया, ये आइकन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हाइड करना है तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके जैसे इसको चेक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, अनचेक करेंगे तो ये जब स्लाइड शो करेंगे तो ये आइकन दिखाई देगा। इसके बाद अगला है रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग। के बाद अगला है नो स्टाइल। अगर हमें कोई स्टाइल नहीं चाहिए तो हम नो स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ये जो अगला है प्ले इन बैकग्राउंड, ये साउंड जो है ये जितनी भी हमारी स्लाइडें हैं, ये देखो यहाँ पे 5 स्लाइडें हमारे पास हैं, तो ये सभी स्लाइडों में ये जो साउंड है ये चले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ये चले। ये देखो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्लाइड शो करेंगे तो ये देखो इस स्लाइड में भी ये साउंड चली हुई है, अगली स्लाइड में की बैकग्राउंड में भी चली हुई है, अगली स्लाइड की बैकग्राउंड में भी चली हुई है। ये देखो इस स्लाइड की बैकग्राउंड में भी चली हुई है और इस स्लाइड की बैकग्राउंड में भी ये साउंड चली हुई है। तो इस प्रकार हम ये साउंड यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हमें बैकग्राउंड में ये साउंड चाहिए या नहीं चाहिए। अगर रखनी है तो हम इस ऑप्शन प्ले इन बैकग्राउंड इसको सेलेक्ट करेंगे, सभी स्लाइडों में ये साउंड चलेगी। इसके बाद है नो स्टाइल। नो स्टाइल यहाँ पे ये जो फर्स्ट यहाँ पे स्लाइड है इसमें ये ऑडियो का ये जो आइकन बना हुआ है इसमें ये साउंड चलेगी, बाकी जितनी भी स्लाइडें हैं उसमें ये साउंड नहीं चलेगी। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे नो स्टाइल पे क्लिक करेंगे। ये देखो नो स्टाइल पे यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो इस स्लाइड में ये साउंड चलेगी, बाकी स्लाइडों में नहीं। ये देखो दूसरी स्लाइड में ये साउंड नहीं चलेगी, ना तीसरी में, ना चौथी में,
ना ये पांचवी स्लाइड में साउंड चलेगी। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने ऑडियो की सेटिंग के बारे में जाना। इसके बाद इसको यहाँ पे बंद करते हैं, यहाँ पे ये बंद किया। बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद ये पावर पॉइंट ओपन किया, ये ब्लैंक स्लाइड ली। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे और मीडिया ग्रुप की अगले जो कमांड है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। अब अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हम पावर पॉइंट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बटन आ जाएंगे। तो बटन ये देखो, फर्स्ट बटन यहाँ पे रिकॉर्डर पॉइंट, तो रिकॉर्डर पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट है। सेलेक्ट का मतलब यह है कि ये जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें तो ये पॉइंटर शो हो यहाँ पे। इसके बाद ऑडियो, ये भी यहाँ पे सिलेक्ट है कि जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें तो ऑडियो साथ में चले। इसके बाद आगे है ये सिलेक्ट एरिया कि कितने एरिए की हमने रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसे यहाँ पे क्लिक करके एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है स्टॉप रिकॉर्डिंग, अगर हमने रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो इस बटन को प्रेस करना है, या हमने कीबोर्ड से विंडो लोगो की प्लस शिफ्ट प्लस क्यू प्रेस करना है तो ये स्टॉप हो जाती है। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस आर प्रेस करेंगे, तब भी ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इससे करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्क्रीन, यहाँ पे जाएंगे स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे कि कितनी स्क्रीन यहाँ पे चाहिए। ये देखो, जैसे ये हमने इतनी स्क्रीन ली है, ये एरिया हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम ये फर्स्ट ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग है ये स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद जैसे हम यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, ये पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन किया। अब यहाँ पे कुछ शेप वगैरह हम यहाँ पे लेंगे, जैसे यहाँ पे शेप पे क्लिक किया तो शेप यहाँ पे सपोज करो एक शेप ये ली। इसके बाद एक शेप और लेंगे होम पे जाके, जैसे एक शेप यहाँ पे और ली, ये एक शेप यहाँ पे ये ली। ये लेने के बाद इसको क्या करेंगे, अब ये कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए सपोज करो हम यहाँ पे ये जो शेपें हैं यहाँ पे ये ली और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद ये हमने रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर ली। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे और पॉइंटर लेने के बाद हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये स्टॉप कर देंगे। ये सेकंड बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो गई। होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर ये चेक करना चाहते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये प्ले बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद जैसे हम यहाँ पे, तो ये यहाँ से प्ले हो जाएगी। प्ले होने के बाद अब क्या करेंगे, हम इस स्लाइड को सेव करेंगे। जैसे ये सेव बटन पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। किस नाम से सेव करेंगे, यहाँ पे नेम लिखा, जैसे बाय एसटी ये नेम यहाँ पे दिया। सेव पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करने के बाद इसको बंद किया। ये देखो यहाँ पे ये स्लाइड यहाँ पे आ गई। यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो है ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी। इसको यहाँ से प्ले करेंगे, ये देखो सारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग चलेगी, ये स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद जैसे हम यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, ये पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन किया। अब यहाँ पे कुछ शेप वगैरह हम यहाँ पे लेंगे, जैसे यहाँ पे शेप पे। तो इस प्रकार यहाँ पे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ऑडियो कमांड और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कमांड के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।